हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। और मेरे इस प्यारे से चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को स्वागत है। तो मैं आज क्या क्या दिन में क्या क्या खाली बैठा था, क्या करना है ट्रेडिंग में, तो बैठा ही था और क्या करना था। तो जनरली मैं लिटरली मैं बैठा हुआ था क्योंकि पैसा नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए। अभी कुछ कैपिटल ही नहीं है। जो कैपिटल है मैं उसको इन्वेस्टमेंट में लगाया हूँ और मैं ट्रेडिंग में लगभग 1.5 लाख लूज कर चुका हूँ और प्रॉफिटेबल तो नहीं हुआ हूँ अभी तक। और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने का मेरा दम नहीं है। ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो में मैं जो स्टॉक है वो प्रॉफिट दिखा रहा है, करीबन 14% का अभी दिखा रहा है। लेकिन मैंने पहले वाले साल में 1.5 लाख वही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ही ट्रेडिंग करते ही डेली डेली ट्रेडिंग करते करते वेनिश कर दिया। ठीक है, और मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो ड्रॉपर हूँ। तो मैं इतना मतलब पैसा देंगे नहीं घर में कि मैं ट्रेडिंग कर सकूँ ये ऑप्शन में। और अभी जितना बिली दिखा रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, तो देखिए आज मैं क्या किया। आज मैंने पेपर ट्रेडिंग किया, पैसा नहीं था मेरे पास। तो आज क्या है देखिए, आज यहाँ पर निफ्टी निफ्टी में मैं आज प्लान किया था कुछ कि ये लेवल एक तो रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये लेवल रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज देता है तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर ट्रेड लूंगा। ठीक है, अगर पैसा होता तो डेफिनेटली ये लेवल के ऊपर ट्रेड लेता। ठीक है, फिर मैंने पेपर ट्रेडिंग किया। पेपर ट्रेडिंग में क्या किया मैं, देखिए यहाँ पर ये वाला कैंडल यहाँ पर एक तो बड़ा वाला क्लोज दिया। ठीक है, यहाँ पर बड़ा वाला कैंडल क्लोज दे दिया, ऊपर क्लोज दे दिया। तो यहाँ पर तो ट्रेडिंग का प्लान बनता है। तो वैसे ही मैंने मैंने ट्रेडिंग का प्लान किया और करीबन यहाँ पर का यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया, ये कैंडल के नीचे बड़ा वाला कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट रखा 15,600 57 तक। ठीक है, 1:6 का 1:6 का थोड़ा लगाया और रिवार्ड रेशियो, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। और देखिए ये कंप्लीटली फॉलो किया है, इसको कंप्लीटली फॉलो किया है, कंप्लीटली फॉलो किया है। वहीं पर आके क्लोज भी दे दिया, इसके अंदर ही क्लोज दे चुका है ये वाला कैंडल्स। ठीक है, ये वाला कैंडल क्लोज दे चुका है। पैसा नहीं था नहीं तो अच्छा खासा थोड़ा प्रॉफिट बना लेता। कम से कम ये 113 पॉइंट्स का टारगेट रखा था मैं, 113 पॉइंट्स का 113 पॉइंट्स का अच्छा एक तो अच्छा खासा पैसा होता। तो अच्छा खासा अगर मैं नहीं उड़ाया होता पैसा तो आज थोड़ा प्रॉफिट बना लेता। ठीक है, तो ऐसे दुख भरी जिंदगी है मेरा, तो सुन लीजिए और सीख लीजिए। मैं जो आज थोड़ा सा जो पेपर ट्रेडिंग किया और शायद आज पैसा नहीं था इसलिए ये विनिंग ट्रेड हो रहा है। पैसा होता तो ये लूजिंग ट्रेड होता शायद। शायद साइकोलॉजी काम करता है नहीं करता है ना, इधर क्या लगेगा, क्या यहाँ पर साइकोलॉजी क्या लगेगा? पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका साइकोलॉजी तो ऑन नहीं होगा। ठीक है ना, साइकोलॉजी इमोशंस तो नहीं होगा ना उधर, तो इसके लिए विनिंग ट्रेड हो गया है क्या? मेरे को लग रहा है ऐसे ही। तो ठीक है, आज का वीडियो इतना तक ही। आज का दिन ऐसे ही गया मेरा, दुख भरा जिंदगी। ठीक है, आएगा अब भी डार्कनेस है मेरे लाइफ में। एक दिन मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ और लिख के दे रहा हूँ, एक दिन मैं ट्रेडर बन के दिखाऊंगा। आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल। मेरे को बहुत आ रहे हैं कि कान में ताने आ रहे हैं कि मतलब ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। मैं अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, किसी को नहीं बता सकता, किसी को नहीं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, बताऊंगा भी तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मेरे घर में सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन और कोई सपोर्ट नहीं करेगा करेगा। ठीक है, और वो लोग बोलते रहते हैं, ताना मारते रहते हैं, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। मैं 12th मतलब पास आउट हूँ 2021 में और 1 साल ट्रेडिंग किया हूँ। अभी फ्यूचर में सोच रहा हूँ फार्मेसी लूँ या ट्रेडिंग को करियर चूज करूँ। ठीक है, तो मैं ट्रेडिंग को ही चूज कर रहा हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यही है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।